कुछ अन्य खुशियां एक साथ इस ट्रस्ट के साथ जुड़ रही हैं और इस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के साथ। और बड़े हर्ष की बात है कि ऐसे मौके पर, ऐसे खास अवसर पर हमारे मध्य और विशेष रूप से कहते हैं ये कार्यक्रम एक मां के लिए, जो मां सृजन करती है, और ऐसी ही कुछ सृजनात्मक चीजें तो उन्होंने रची हैं एक पुस्तक के माध्यम से, जिसका नाम है दर्द भरी मुस्कान। ये पुस्तक काफी मेहनत और मशक्कत के बाद, रिटायरमेंट के बाद अपने समय को सदुपयोग करते हुए एक पुस्तक का रूप दिया, और वो समय आया कि वो पुस्तक लोगों तक पहुंचे। आज वो क्षण है। मैं चाहूंगा श्रीमती कमला मिश्र जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारे मध्य हमारे उपस्थित दिलीप जी, इन दोनों से चाहूंगा कि सर का स्वागत करें। दिलीप जी आइए सर। डॉक्टर नितिन मिश्रा जी और दिलीप जी के द्वारा स्वागत। हालांकि लोग कम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तालियां जरा जोरदार तरीके से होनी चाहिए। और श्रीमती कमला मिश्रा जी का वैसे तो सारे लोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं धीमे धीमे मैं परिचय भी करवाऊंगा। समय कम है, अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। श्रीमती कमला मिश्रा जी के स्वागत के लिए हमारे बीच आदरणीय अनीस बजमी जी हैं। मैं चाहूंगा कि कमला जी का स्वागत आपके हाथों से हो। वैसे तो यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन दिन का कार्यक्रम होना, वहां पर इतनी मौजूदगी और उतने जोश और खरोश के साथ हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब क्योंकि लिखना कोई आसान कार्य नहीं होता है, बहुत ही बेहद ही मुश्किल कार्य है, और श्रीमती कमला मिश्रा जी ने रिटायरमेंट के बाद अक्सर जब लोग घर में बैठ जाते हैं वहां से इन्होंने लिखना प्रारंभ किया, और लिखते लिखते दर्द भरी मुस्कान, जो इन्होंने काफी जीवन के उतार चढ़ाव और अनुभव को महसूस करते हुए अपनी लेखनी के माध्यम से इस पुस्तक की शक्ल दी, और इसके बावजूद ये यहाँ पर नहीं थमी है। पुस्तक का विमोचन हो रहा है, और अगली दो पुस्तकें उनकी और भी तैयार हैं। सर वेट सर, वीडियो वीडियो सर, वीडियो के लिए फोन कर, कैमरा नीचे करो। बड़ा ही अच्छा संयोग है कि ऐसे अवसर पर कला जगत, साहित्य जगत हैं जिनके सानिध्य में इस पुस्तक का विमोचन हुआ। अब मैं चाहूंगा कि जनरल वीके सिन्हा जी आपके मध्य दो शब्द, वीके सिंह जी सॉरी, दो शब्द आपके बीच में। यहाँ पर बैठी कमला मिश्रा जी, जिनकी आज माता जी, जिनकी आज किताब का विमोचन हो रहा है,
यहाँ पर आए सभी गणमान्य कलाकार और अन्य जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले इस पुस्तक के लिए कमला जी को बधाई देता हूँ। एक तो इसका नाम इतना खूबसूरत है और मुझे पूरी आशा है कि इसके अंदर जो लिखा होगा वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। आज के दौर में अपने संस्मरण अगर कोई रखता है तो उसकी गहराइयों को देखने की बहुत ज़रूरत है। जिस शीर्षक के साथ पुस्तक निकली है, दर्द भरी मुस्कान, मुस्कान और उसके साथ दर्द, अपने आप ही के अंदर एक अजीब सी भावना पैदा करती है। और मैं सोचता हूँ कि एक माँ के तौर पर जो उन्होंने अब अपनी लेखनी उठाई है, तो शायद इसके बाद और भी कई पुस्तकें उनके हाथों से निकलेंगी और उसका मैं इंतजार रहे। मैं पुनः आपको और नितिन जी को, डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है और खासकर इतना अच्छा जिसमें आप माँ की पुस्तक को लोगों के सामने लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे कलाकारों को सम्मान के लिए भी याद किया जाए। हमारे बीच काफी कलाकार कला जगत से जिन्होंने और अगला नाम जो इसी श्रृंखला में है हमारे मध्य श्री संजीव जायसवाल जी, जिन्होंने फिल्मों में लेखन और निर्देशन के माध्यम से एक उल्लेखनीय योगदान दिया है और अभी इनकी आने वाली भी कुछ फिल्में हैं जिनमें हुए लगे हुए हैं। जोरदार तालियों से संजीव जायसवाल जी का। और बीच हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी जादुई आवाज से पूरा हिला रखा है, झुमा रखा है। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे मध्य अभी दो दिन चार दिन पहले उनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। हाँ, अंकित हरि जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब इसके बाद मैं जो नाम लेने जा रहा हूँ, पूरे देश में उनके गीत गुनगुनाए जाते हैं, एक लेखन के धनी और कई सिर्फ ना गीत के माध्यम से बल्कि पटकथा और संवाद के माध्यम से कई फिल्मों में आपने उनको सुना, ऐसे शख्स मनोज मुंतशिर जी हमारे बीच में हैं, उनका सम्मान जोरदार तालियों से। और अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक और तालियों से स्वागत किया जाए। समय चूंकि कम था और बहुत कम समय में इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी और इसका आयोजन हुआ, इसी वजह से जल्दी जल्दी में मुझे आज के इस कार्यक्रम की के लिए होस्ट के रूप में लोगों ने मुझे पेश किया, तो मेरी भी बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं थी। अचानक सर मैंने माइक ले लिया और कुछ कुछ जो याद आता जा रहा है, जो समझ में आता जा रहा है, बोलता जा रहा हूँ। कहीं पर कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा चाहूंगा।